सुबह से भागा दौड़, बेटी और हस्बैंड के लिए खाना बनाना, बेटी को स्कूल पहुंचाना और फिर वापस आके घर का बाकी काम खत्म करना। सभी काम खत्म करते करते भूख लग जाना तो जाहिर सी बात है ना। घड़ी में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं भी अपना ब्लॉग अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो लंच खत्म करने के बाद अभी फिर से भाग भाग के जाना पड़ेगा बेटी के स्कूल। लेकिन कहीं भी जाने से पहले थोड़ा बहुत मेकअप तो कर ही लेती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव टू डू इट। ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज बेटी के स्कूल ही जाना है, पार्टी या शादी में तो नहीं जाना। सो थोड़ा सा फेस क्रीम, उसके बाद आप में थोड़ी सी काजल, आईब्रोज भी कर लेंगे हल्का सा और हल्की सी लिप ग्लॉस, एंड बाल भी क्लचर से पीछे की तरफ बांध लेंगे क्योंकि काफी गर्मी लग रहा है यहाँ पे अभी। फाइनली पहुंच गए हैं स्कूल और अभी हम सब बाहर बैठे हैं, अपने अपने बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं। घर आते समय इनको रास्ते में एक भगवान की तस्वीर दिख गई और ये उनको ही प्रणाम कर रही है। जाते समय हमने एक टॉयज की दुकान में भी गए जहाँ से इनको कुछ खिलौना भी खरीदना था। वापस घर और सनबी को भी आज किराना के दुकान से ये खरीदा है। ये है ब्लॉक्स, इसे इस तरह से एक के ऊपर एक सजाएगी अभी ये, और उसके साथ साथ है ये मैंगो जूस। ये भी इसे चाहिए क्योंकि इनको स्कूल से आते समय बहुत प्यास लग जाता है। तो और दुकानदार भैया ने भी बोला कि ठीक है, ये मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, तो ये आप पीते पीते घर जाओ। तो लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि बच्चों को रास्ते में चलते हुए बच्चों को कुछ देना सही नहीं रहता है, क्योंकि रास्ते में इतना धूल मिट्टी रहता है तो बच्चे के खाने में अगर आ जाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो अभी इसको मैं फ्रेश कराऊंगी और उसके बाद अगर ये कुछ खाने के लिए बोलेगी तो कुछ खिलाऊंगी, नहीं तो मैं तो लंच तो देकर ही भेजती हूँ स्कूल में। तो अगर ये कुछ खाने के लिए बोलिए तो खिलाऊंगी, नहीं तो इसको सुला दूंगी। तो ये सब ख़त्म करने के बाद फिर से आके बात करती हूँ। बेटी को स्कूल से घर लेके आने के बाद उसको मैं अच्छे से एक बॉडी मैसेज देती हूँ, इसके बाद हल्का सा गुनगुना सा पानी में उसको मैं नहला भी देती हूँ, फिर जाके वो थोड़ी देर के लिए खेलती है और जब थक जाती है तो वो खुद ही सो जाती है। क्योंकि सुबह बहुत जल्द मैं उसको उठा देती हूँ, सुबह के 7 बजे के अंदर अंदर मैं उसको जल्दी जल्दी उठा के जल्दी जल्दी ब्रश करा के मुँह हाथ धो के फिर ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद उसको 9 बजे के अंदर अंदर स्कूल लेके जाती हूँ। नहाने के तुरंत बाद ही इधर आ गई है खिलौना लेके खेलने के लिए। इसको क्या हुआ, इसको तो चकला बना दिया तुमने, इसका बाल कहाँ गया? ना मैं तो मम्मा सब उठा के रखो, ठीक करके रखो सब। तुम पहले इसको सब सामान मिला के रखो पहले, बदमाशी किया जा रहा है। और ये जो था ये इसका नहाने के लिए ये बाथ टब था, मेरी बेटी को नहाने के लिए मैंने खरीदी थी, लेकिन अभी ये कोई काम नहीं आता है क्योंकि ये अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसमें आता भी नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे टॉयज रखने के लिए जगह बना दी। बिग जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, सुंदर करे लिखो अच्छे से, स्मॉल जी,
वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिनर करने वाले हैं और डिनर में आज क्या क्या है वो भी दिखाऊंगी और उसके बाद और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले डिनर में आज लोग हम लोग क्या खाने वाले हैं दिखा देते हैं। तो डिनर में आज है फिश करी, ये है बंगाली में जिसको बोलते हैं बाटा माछ, उसी फिश का करी है। यहाँ पे है बैंगन भाजी और यहाँ पे है चिकन करी और ये मेरी बेटी के लिए है ओमलेट और यहाँ पे है कैरेट राइस। क्या लाए हो? स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट का। वाओ, तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच। खोलो 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 जल्दी से खोलो। ओके हाँ। दैट इज द चार्जर। ओ चार्जर भी है। यस, दैट इज द स्मार्ट वॉच मैनुअल बाय फायरबोल्ट। वन कार्ड इज देयर, दैट इज एक्सक्लूसिव, दैट इज वी हैव ऑनर्ड यू आर परचेजिंग दिस सरप्राइज बुक माई शो टिकट। गाना गाना में म्यूजिक ऐप में कुछ है डिस्काउंट कूपन वगैरह है, फ्री 3 months म्यूजिक एंड बोल्ट ऐप प्ले मेंबरशिप। आप लोगों ने देख लिया कि हस्बैंड ने मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाया है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे लिए इतना प्यारा सा एक गिफ्ट लाने वाला है। सच में ये एक सरप्राइज है मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अभी मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं और उसके बाद सो जाएंगे। और जाने से पहले हर दिन की तरह आज भी मैं उम्मीद लगा के बैठी रहूंगी कि आज के वीडियो में आज के ब्लॉग में शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए और आप लोगों का कोई भी सजेशन हो कोई भी ओपिनियन हो आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए भगवान होते हैं। एंड बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नया एक धमाकेदार नया एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए मैं बोलूँगी शब खैर, गुड नाइट, अलविदा, लव यू ऑल।